हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। मैं आप सभी कक्षा 3 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आ चुकी हूँ यहाँ पर सब्जेक्ट हिंदी का ग्रीष्मकालीन गृह कार्य। तो इससे पहले हमने इंग्लिश का गृह कार्य देखा था, तो उम्मीद है आपको वो गृह कार्य समझ आया होगा। ये गृह कार्य आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है, क्योंकि जब भी स्कूल ओपन होंगे तो आपके जो ये गृह कार्य हैं वो टीचर्स के थ्रू चेक किए जाएंगे। तो इसी वीडियो में हम सभी 6 वर्कशीट देखने वाले हैं, क्योंकि प्रत्येक गृह कार्य में आपको 6 वर्कशीट दी गई हैं। इसी वीडियो में हम 6 वर्कशीट को समझेंगे और जो सॉल्यूशन है वो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट फर्स्ट से। वर्कशीट फर्स्ट है चित्रों में घटित घटनाक्रम के क्रम को समझ पाना। तो एक स्टोरी दी गई है यहाँ पर पिक्चर्स के थ्रू, आपको क्या करना है कि उन्हें क्लिक करना है कि कौन सा पिक्चर सबसे पहले आएगा, कौन सा पिक्चर उसके बाद आएगा। तो इस तरह से आपको पूरी स्टोरी को डन करना है। तो सबसे पहले पिक्चर आएगा, एक टॉर्टोइज रहता है, एक हेयर यानी कि रैबिट रहता है। तो दोनों में क्या होती है, गहरी दोस्ती होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले पिक्चर आ जाएगी फर्स्ट वाली। नेक्स्ट हो जाएगा सेकेंड पिक्चर, कौन सी आ जाएगी, उनमें क्या होता है, रेस होती है। वो जो रेस करते हैं आपस में, तो यहाँ पर सेकेंड पिक्चर क्या हो जाएगी, रेस की। थर्ड पिक्चर हो जाएगी रैबिट जो है उसे नींद आ जाती है वे में। तो वो सोचता है कि टॉर्टोइज बहुत धीरे चल रहा होता है, तो वो सोचता है कि काफ़ी देर लगेगी उसे पहुंचने में, जब तक मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। रेस्ट करते करते उसे नींद आ जाती है और वो पीछे रह जाता है। तो इस तरह से थर्ड पिक्चर हो जाएगी इस ये वाली। और जो फोर्थ पिक्चर है उसमें क्या होगा कि लास्ट में क्या होता है स्टोरी में, जो टॉर्टोइज है, जो कछुआ है, वो धीमी गति से चलते हुए भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, वो जीत जाता है। और जो खरगोश है, जब तक जागता है तब तक टॉर्टोइज जीत जाता है, और खरगोश को अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि जो उसे घमंड था अपने तेज गति पर, वो वहाँ पर नहीं जीत पाता है। तो इस तरह से ये स्टोरी थी खरगोश और कछुए की, जो कि बहुत बार आ चुकी है आपके एग्ज़ाम में भी। तो हमें पिक्चर्स के थ्रू इसे पूरा करना था। सेकंड क्वेश्चन है, चित्र में दी गई कहानी में घटनाक्रम के अनुसार 1 से 4 संख्या लिखिए। तो सबसे पहले हो जाएगा, बीज डालते हैं ना किसी भी पौधे को उगाने के लिए, तो सबसे पहले बीज वाली पिक्चर आ जाएगी फर्स्ट। सेकंड क्या हो जाएगा, अब बीज को पनपने के लिए सनलाइट चाहिए, और बीज थोड़ा थोड़ा पनपेगा, उससे एक पत्तियाँ निकलेंगी, तो यहाँ पर सेकंड पिक्चर ये वाली हो जाएगी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, उस जो बेल है, क्योंकि बेल का चित्र है, तो यहाँ पर बेल पर एक सहारा देने के लिए बेल को एक डंडा लगा देंगे, जिससे कि बेल उस पर चढ़ जाएगी आसानी से। तो ये वाली पिक्चर थर्ड हो जाएगी। और लास्ट में हो जाएंगे, उसमें फल जब आने लगेंगे, टमाटर है ये, तो टमाटर दिख रहे हैं पिक्चर से, तो इस तरह से उसमें फल आ जाते हैं। लास्ट में क्या होता है, पौधे में फल आ जाते हैं, तो यहाँ पर फोर्थ पिक्चर आ जाएगी फल वाली। तो इस तरह से हमने देखा पिक्चर्स के माध्यम से सभी जो घटनाक्रम है उन्हें। तो ये था वर्कशीट फर्स्ट। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट सेकंड, जिसमें है फर्स्ट क्वेश्चन में दिए गए बिंदु को मिलाइए, चित्रों को पूरा करिए। आपको बिंदु मिलाते हुए चित्र को पूरा करना है। तो फर्स्ट पिक्चर में है डक यानी बतख का चित्र, जिसमें आपको बिंदु मिलाते हुए जाना है, तो आपको इस तरह की आकृति मिलेगी जो कि एक बतख की है। नेक्स्ट सेकंड में आकृति मिलेगी जब आप बिंदु को मिलाएंगे, तो रैबिट यानी खरगोश की। इसी तरह से नेक्स्ट आपको एक चक्री मिलेगी, एक ट्रायंगल मिलेगा, एक स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको पॉइंट्स को अगर आप कनेक्ट करते हुए जाएंगे तो ये आकृतियाँ पाएंगे। नेक्स्ट पिक्चर में आपको एक सनफ्लावर दिखेगा, सूरजमुखी का फूल, तो यहाँ पर इस तरह से सनफ्लावर की पिक्चर बन जाएगी। नेक्स्ट आपको एक बोट दिखेगी, नाव दिखेगी, तो यहाँ पर जब आप इसे मिलाएंगे तो आपको एक बोट दिखेगी, ठीक है, एक नाव दिखेगी। तो इस तरह से आपको बिंदु को मिलाते हुए इन चित्रों को पूरा करना था। ये था आपका सेकंड वर्कशीट का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट थर्ड का सॉल्यूशन, जिसमें है आप अपनी कक्षा के सभी सहपाठियों के नाम सुंदर लेख में लिखिए। तो आपकी जो सहपाठी हैं उनके नाम आपको यहाँ पर सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखने हैं। तो जिस तरह से मैंने लिखे हैं, आप अपनी कक्षा में अगर जिन्हें भी जानते हैं उनके नाम इसमें लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिखेंगे, जैसे कविता, सुनीता, सविता, मनोज, राखी, इल्मा, यास्मीन, कमल, रुचिका, निशा, राधा, मोनिका, रेहान, शोएब, सानिया, आशा, अरविका, हीना, रमेश, सुलेखा, सुचित्रा, रेखा, रानी, रोहन, समीर, विमल, कंचन, रहमती, विकास, अर्चना। तो आपको करेक्ट स्ट्रोक का यूज़ करते हुए इसी तरह से सुंदर सुंदर अक्षरों में ये नाम लिखने हैं। तो ये था वर्कशीट थर्ड का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट फोर्थ का सॉल्यूशन, जिसमें है फर्स्ट क्वेश्चन, समान तुक वाले शब्दों को ढूंढिए और लिखिए।
तो समान तुक यानी एक जैसे साउंड करने वाले जो शब्द हैं तो उन्हें आपको ढूंढना है और लिखना है। बिल्ली चुपके चुपके आई, चट कर गई सब दूध मलाई, चल दी फिर करने को सैर, फिसला उसका छत से पैर। फिर तुमको एक बात बताऊं, बिल्ली रोई म्याऊं म्याऊं, हिलते डुलते घर को आई, चोरी उसको रास न आई। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं साउंड में। तो जैसे आई मलाई, सैर पैर, बताऊं म्याऊं, आई आई, ठीक है, हिलते डुलते। तो इस तरह से आपको ये शब्द लिखने हैं यहाँ पर, तो आप इस तरह से लिखें, ठीक है। सैर पैर, यहाँ पर आपको ये भी शब्द लिख देने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये शब्द लिखने हैं, हिलते डुलते, ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, दी गई कहानी को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहानी दे रखी है, इससे रिलेट आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं। कहानी है, एक बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, इतनी लंबी थी कि जमीन तक लटक रही थी। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी। अचानक उसे पूंछ दिखाई दी, उसने सोचा यह झूला कहाँ से आ गया। वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हुई, उसने नीचे देखा। वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी ये क्या कर रही हो, मुझे गुदगुदी हो रही है, अब बस करो। तो यहाँ पर ये कहानी दी गई है, अब इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। किस जानवर की पूंछ लंबी थी, तो लिखेंगे बंदर की पूंछ लंबी थी। कौन सा जानवर जमीन पर था, गिलहरी जमीन पर थी। पेड़ पर कौन बैठा था, पेड़ पर बंदर बैठा था। बंदर क्यों हंस रहा था, क्योंकि बंदर गुदगुदी होने के कारण हंस रहा था। तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट फोर्थ का सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट फिफ्थ, जिसमें है क्वेश्चन फर्स्ट में नीचे दी गई पंक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार पूरी कर कविता को पूरा कीजिए। तितली के चित्र में रंग भरिए। तो आपको एक तितली से रिलेट कविता दी गई है, आपको इसे पूरा करना है, और जो दी गई तितली है इसमें कलरफुल रंग भरना है। तो ठीक है, आप कलरफुल रंग भरिए इसमें। मैं आपको कविता बताती हूँ। प्यारी प्यारी तितली बोल, पंख कहाँ से लाई अनमोल, सुंदर तेरे पंख रंगीले, हरे गुलाबी नीले पीले, फूलों पर मंडराती रहती, दिन भर वो इकलाती रहती, प्यारी प्यारी तितली बोल, आँखें तेरी गोल गोल मटोल। तो इस तरह से हम लिखेंगे इस कविता को, और आपको रंग बिरंगे कलर इसमें फिल करने हैं। सेकंड क्वेश्चन है, यदि आपके भी तितली जैसे पंख होते तो आप क्या क्या करते। तो हम भी आकाश में दूर दूर तक उड़ते रहते और उड़कर नानी के घर जाते। थर्ड क्वेश्चन है, नीचे दी गई कहानी को आगे बढ़ाइए। आपको एक कहानी दे रखी है, अधूरी दे रखी है, आपको पूरा करना है। एक जंगल में एक हाथी रहता था। एक दिन वह पीपल के पत्ते खा रहा था। उस पेड़ पर मधुमक्खियों के बहुत से छत्ते थे। वहाँ एक भालू आया और हाथी से बोला, अरे देखो कितना सारा शहद, कितना मीठा मीठा है। हाथी उसकी बात सुनकर लालच में आ गया, उसने मधुमक्खी के छत्ते को हिला दिया। गुस्से में आकर मधुमक्खियों ने हाथी को काट दिया। तो इस तरह से इस कहानी को आगे बढ़ाना था, तो आप भी इसी तरह से बढ़ाएं। तो ये था वर्कशीट फिफ्थ का सॉल्यूशन, जिसमें हमने कविता कहानी दोनों देखे। अब देखेंगे वर्कशीट सिक्स का सॉल्यूशन, जो लास्ट वर्कशीट है, जिसमें दे रखा है एक चित्र। इस चित्र को ध्यानपूर्वक केयरफुली देखिए। अब इससे रिलेट आपको क्वेश्चन है, ये चित्र झुनिया के स्कूल का है। झुनिया को अपने स्कूल के बारे में काफ़ी जानकारी है। आप भी अपने स्कूल के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। अपने विद्यालय के बारे में पता लगाकर नीचे दी गई पंक्तियों में अपने उत्तर लिखिए। तो जिस तरह से झुनिया का स्कूल दिखाया गया है, आपको अपना विद्यालय तो याद ही है। तो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका आपको आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो आपके अपनी कक्षा में जितने विद्यार्थी हैं वो नाम लिखने हैं, संख्या लिखनी है। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है, मेरी कक्षा में 25 विद्यार्थी हैं। सेकेंड, आपके कक्षा अध्यापक का नाम लिखिए। आपकी जो कक्षा अध्यापक है उनका नाम लिखना है आपको। तो यहाँ जैसे मैंने लिखा है, आप भी अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखें, श्रीमती सुषमा सैनी। थर्ड क्वेश्चन है, आज आपके विद्यालय में कितने शिक्षकगण आए हैं। तो आपको प्रेजेंट में देखकर बताना है कि कितने शिक्षकगण आए हैं। तो आपके टोटल जो शिक्षकगण हैं आप उनकी संख्या भी लिख सकते हैं, आज हमारे विद्यालय में 15 शिक्षकगण आए हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, आप दिन भर विद्यालय में क्या क्या कार्य करते हैं। तो हम सर्वप्रथम प्रार्थना करते हैं, शिक्षक जी हमारी उपस्थिति दर्ज करते हैं, सभी कालांश में विषयवार पढ़ाई करते हैं, अपना गृह कार्य जांच करवाते हैं। तो इस तरह से आपको कार्य लिखने हैं। फिफ्थ है, आपको विद्यालय में कब कब अच्छा लगता है, कै में पूछा है। तो लिखेंगे उत्सव होने पर, खेलते समय, अध्यापक द्वारा शाबाशी मिलने पर। और खै में है, कब कब बुरा लगता है, तो अध्यापक द्वारा डांट पड़ने पर। तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट सिक्स का सॉल्यूशन। इस तरह से हमने देखा इस वीडियो में वर्कशीट सिक्स, वर्कशीट फिफ्थ, वर्कशीट फोर्थ, वर्कशीट थर्ड, वर्कशीट सेकंड और वर्कशीट
फर्स्ट का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी बख्शिश के सॉल्यूशन समझ आए होंगे। तो इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेट और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।